Hello everyone, welcome to my channel. So in this video we are going to discuss about macros. Now see, macros होते क्या है? Macros होते हैं जिसे आपको ना कोई बहुत बार आपको functions जो हैं वो लिखे हुए हैं, ठीक है? अब उसको आपको represent करते रहना है, मतलब अपने functions एक 5-6 बार उसका रिपीटेशन करनी है, ठीक है? अब वो फंक्शन बार बार थोड़ी लिखते रहोगे, ठीक है? तो ये ऐसे मैक्रोज रिप्रेजेंट करते हैं इस चीज को, ठीक है? अब मैक्रोज और फंक्शंस, जैसे आपने C++ में किया होगा, वहां पे आपने कुछ फंक्शंस के बारे में भी पढ़ा होगा, तो फंक्शंस और मैक्रोज ऑलमोस्ट सेम होते हैं. बस जो फंक्शंस की वैल्यू होती है ना, वो रिटर्न कर जाती है और यहाँ पे रिटर्न नहीं करती है, ठीक है? अब लेट्स स्टार्ट, इसको डिफाइन करते हैं कि कैसे लिखते कैसे हैं. अब सी मैक्रो को लिखते हैं. अब जैसे ये CAL मैंने लिखा हुआ है, ये मैंने नेम दिया हुआ है मैक्रो प्रोसेसर को, ठीक है? और ampersand p मतलब मैंने कोई इसको पैरामीटर दिया हुआ है, ठीक है? अब देखो, अब ये जो है, ये जो वो चीजें हैं जो रिपीट कर रही हैं, ठीक है? रिपीटेड लाइन्स, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, जो भी लाइन्स रिपीट कर रही हैं. एंड बाद में तुम्हारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो एंड कर जाएगा, ठीक है? जिसको एम एंड हम लिखते हैं, ठीक है? ये सब चीजें हैं यहाँ पे, ये सिंपल सा है जो हम लिखते हैं. देन अब माइक्रो प्रोसेसर को कॉल कैसे करते हैं? सी, अब ये जो पैरामीटर मैंने लिया हुआ था, ठीक है, इसको कोई ना कोई आप वैल्यू, मतलब कोई ना कोई पैरामीटर दे दो, जैसे एक्स वगैरह. एम्परसेंड पी की जगह आप एक्स वाई जेड कुछ भी लिख लो, ठीक है? और जब भी आपको वो वैल्यू रिपीट करनी होगी, जैसे यहाँ पे ये रिपीट करनी थी, तो यहाँ पे सी एल एक्स लिख दो, सी एल वाई लिख दो, ठीक है? ये सारी चीजें. अब आगे एक्सपेंशन में क्या है हमारे पास, अब ये बात याद रखना, जहां पे भी आपको ये रिपीटेशन वाली वैल्यू चाहिए वहां पे आपको ये लिखना पड़ेगा. अब सी एक्सपेंशन कैसे होगा, ऊपर मैंने कुछ भी लिखा होगा और जहां पे सी एल एक्स लिखा होगा उसकी जगह एड, ये सारी चीजें तो सेम रहेंगी, ए रजिस्टर, ठीक है? पर बाकी जो है तुम्हारा, जैसे एम्परसेंड पी था ना, उसकी जगह हमने एक्स लिखा था, तो वहां पे ये आ जाएगा ए रजिस्टर एक्स, ठीक है? सब बी रजिस्टर, मतलब रजिस्टर बी में स्टोर हो रही है जाके एक्स, ठीक है? ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है? तो ये था आपका माइक्रो प्रोसेसर में. आई होप ऑल दिस इज क्लियर, ठीक है? अब हम आगे पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर्स की टाइप्स. सो प्लीज स्टे कनेक्टेड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इन द नेक्स्ट चैप्टर, इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू सो मच.